आप सारे आप अकीदत और मोहब्बत से एक मरतबा बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपने वालिदा से पूछा, माँ बताइए इस वक्त रब कैसे और कहाँ मिलेगा, रब कैसे और कहाँ मिलेगा। निजामुद्दीन की वालिदा ने फरमाया, निजामुद्दीन दिल्ली के शहर चले जाओ, वहाँ एक मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने एक तंदूर है, उस तंदूर में जो बाबा रोटियां लगा रहा है वो बता सकता है कि रब कैसे और कहाँ मिलता है। बाबा बता कैसे और कहाँ मिलता है। ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पहुंचे, वहां जाके बाबा से कहा, बाबा बताइए रब कैसे मिलता है। बाबा ने फरमाया, पुत्र रोटी लवानी हो तो लवा, खाना खाना ही खा, मुझे क्या पता रब कैसे मिलता है। कहा बाबा मैं चला जाता, किसी और ने भेजा होता तो मैं चला जाता, भेजा मान है। मां ने भेजा, बोलिया भी आपका बताया है, पता भी आपका दिया है, बाबा बताइए रब कैसे मिलता है, रब कैसे मिलता है। अब बाबा भी नजर वाला था, ऐसे नजर उठाई, कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, कहा कल आना फिर बताऊंगा रब कैसे मिलता है। कल माशूक की बात है, महबूब और मुहिब की बात है। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, अलामा साहब को माइक मैंने देना है, आपका हुक्म भी इसी में मैंने पढ़ना है। कहा कल आना फिर बताऊंगा रब कैसे मिलता है। नमाज़े फजर अदा हुई, निजामुद्दीन चले बड़े पहुंचे, जब वहां जाकर देखा ना वहां तंदूर था ना तंदूर वाला था, पूछा गया यहाँ एक तंदूर था वो किधर गया। कहा कल पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने अपना तंदूर उखाड़ा, उखाड़ के इधर को गया है, इधर को गया है। निजामुद्दीन कदम के निशान ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंचे, उस बाबा के जिस्म के टुकड़े, कोई जानवर कहीं से लेके खा रहा था, कोई कहीं से लेके खा रहा था, निजामुद्दीन पास बैठ गए। कहा बाबा कल वादा करके गया था कि कल आना बताऊंगा रब कैसे मिलता है, रब कैसे मिलता है। आज वादा वफा करना था, बेवफाई कर बैठा है, बेवफाई कर बैठा है। जब ये जुमले कहने थे, कोई हड्डी कहीं से जुड़ी, कोई कहीं से जुड़ी, कोई कहीं से जुड़ी, हड्डियों से आवाज आई, निजामुद्दीन रब ऐसे मिलता है, रब ऐसे मिलता है, रब रब कर दे रब रब कर दे, बुढ़े हो गए अते मुल्ला पड़े
ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾਨਾ ਲਪਾਏ ਅਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਕਰੇ ਹਾਰੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ जो मुर्शिद वाला है दोनों हाथ उठाए और बोले नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी है मेरा नारे जहन्नम से बरी हूँ मैं पंचतनी 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 हूँ दावा है मेरा नारे जहन्नम से बरी हूँ दावा है मेरा नारे जहन्नम से बरी हूँ इससे बड़ा जिक्र मेरे पास नहीं है जो मैं कर रहा हूँ कुछ है ताजीब हरम है कि वली याद आए हज का मकसद है कि हाजी को चली याद आए मैंने काबे में रखी है निशानी ताके मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए है मेरा नारे जहन्नम से बरी हो मैं पंचतनी हो सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही मैं बंदा ए सरकार हुसैन इब्ने अली मैं बंदा ए सरकार हुसैन इब्ने अली मैं बंदा ए सरकार हुसैन इब्ने अली अली वाला हर एक दर का सवाली हो नहीं सकता भरे जिसका अली दामन खाली हो नहीं सकता हाजी हो नमाजी हो मुफ्ती हो या मुल्ला हो मुनकर अली का हो हलाली हो नहीं सकता दोनों हाथ अली वाले दोनों हाथ उठाए नाराए हैदरी पंचतनी हूँ आप बोलिए जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए जरा जो है वो बोले मैं पंचतनी 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 इसको पांच की निस्बत याद है दोनों हाथ पांच वाले जरा पांच वाले दोनों हाथ उठाएं चार वाले और पांच वाले जरा दोनों हाथ उठाएं बोले मैं पंचतनी तेरी आवाज मुझे सुननी है मैं पंचतनी स्टेज वाले भी मैं पंचतनी मैं पंचतनी मैं पंचतनी मैं पंचतनी मैं पंचतनी पंचतनी हूँ अल्लाह का हुक्मदार हुसैन इब्ने अली है एक
बोलता हुआ कुरान हुसैन इब्ने अली है, पुश्ते नबी पर सवार हुसैन इब्ने अली है। कोई अजीज से जाके पूछो अब जाएगा किधर, अरे जन्नत का तो सरदार हुसैन इब्ने अली है। पंज तने हो दावा मेरा नार जहन्नम से बरी हो, दावा मेरा नार जहन्नम से बरी हो। इन मिसरों पे आपकी दाद और दुआ दोनों चाहिए। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी पराए हुसैन है। बैयत का लफ्ज मिट गया दीवान जुल्म से, अरे ये वाकया नहीं है, सजाए हुसैन है, सजाए हुसैन है। हजरत मूसा का एक आसा था, अगर वो जमीन पर मारते थे तो चश्मे फूटते थे, अगर वो पानी पर मारते थे तो पानी जगह बना देता था। हजरत मूसा का ये आसा, हजरत मूसा के कहां कहां कैसे कैसे काम नहीं आया। मैं हुसैन के आसे की बात करने लगा हूँ, अगर तेरे जहन में हुसैन आ जाए तो अभी हाथ उठा लेना, अगर ना आए तो कल किसी से मशवरा करके जरूर हाथ उठाना। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी पराए हुसैन है। बैयत का लफ्ज मिट गया ईवान ने जुल्म से, अरे ये वाकया नहीं है, सजाए हुसैन है। किबला मौला को एतमाद था गाजी के हाथ पर, मौला को एतमाद था गाजी के हाथ पर, अरे बाजू ये बावफा का आसाए हुसैन है। जन्नत की तरफ रुख मोड़ दिया, मौला अली ने कहा ये मेरे हैं। मिसरा ना भूल गया हूँ, थक गया, कभी कभी इस डर से नहीं पड़ता के जाया ना कर बैठो, उठाओ गर्दने डालो मेरी आंखों में आंखें। मिसरा सुनो, आमाल थे दोजख वाले, जन्नत की तरफ रुख मोड़ दिया, मौला अली ने कहा ये मेरे हैं, फरिश्तों ने कहा जाओ छोड़ दिया। अली नाल बुक्स रखे ऐवे तू नकम्मिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमया। मोहताज नहीं हूँ मैं जमाने में किसी का, मोहताज नहीं हूँ मैं जमाने में किसी का। सदका बहुत मिलता है मुझे, सदका बहुत मिलता है मुझे आले नबी का, सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का। जिसको मिलता है दोनों हाथ उठाए फिर कहिए, मोहताज नहीं हूँ मैं जमाने में किसी का। मोहताज हाथ खड़ा रखिए, जिसको इस बात पे नाज है कि हमें जो कुछ मिलता है आले नबी औलाद अली का सदका है। स्टेज से लेके आखिरी फर्द तक चाहे तू खड़ा है बैठा है, हुसैनी दोनों हाथ उठाएंगे, कहेंगे मोहताज नहीं हूँ मैं जमाने में किसी का। मोहताज नहीं हूँ मैं जमाने में किसी का, है मुझे सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का। इस तर का भिखारी हूँ, इस तर का भिखारी
गनी हूँ, आलम का गनी पंजतनी 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 हो। जो है आखिरी मर्तबा जरा दोनों हाथ उठाएगा, जिसको इस बात पे नाज है और जो अपने मुकद्दरों पे आज रक्ष करके बैठा है, दोनों हाथ बुलंद करके बोल ले नाराए हैदरी। ऐसे नहीं अली वाले जिन जान जुबान कुर्बान करके बोले, क्योंकि आका ने फरमाया है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आका की सुन्नत अदा करते हुए दोनों हाथ अली वाले उठाएं, नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। कोशिश तो बहुत की गई लेकिन दरिया के मुकद्दर में समंदर समझ नहीं आया, लोग कैसे समझेंगे हैदर मौला हैदर को। अरे हैदर के लोगों की समझ में तो कलंदर नहीं आया। नाराए हैदरी, अरे बोलो जरा नाराए हैदरी 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 हैदरी। अली कहने से पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं अली कहने के बाद, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं अली कहने के बाद। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक जगह से गुजर रहे थे, बंदा बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। कहा भाई बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, कुछ खाता पीता भी है। बंदा कहने लगा जी मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। जुनैद बगदादी फरमाने लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो काम मेरे कुत्ते भी करते हैं। मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। बंदा बड़ा समझदार था, कहा बाबा आप भी बड़ा अल्लाह अल्लाह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कहा हाँ, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले फिर भी शुक्र करते हैं। समझे नहीं समझे, मिल जाए शुक्र करते हैं, ना मिले फिर भी शुक्र करते हैं। अल्लाह आपको दरहन की इज्जत अता फरमाए।